पुराने समय में ज्यादातर राज्यों में राजा राज किया करते थे, लेकिन कुछ एक राज्यों पर रानियों का शासन भी था। ऐसा ही एक राज्य था मार्बिको, जिसमें लूसिया नाम की रानी राज किया करती थी। लूसिया को सिर्फ एक बेटी थी। वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करती थी। लूसिया को जितना प्यार अपनी बेटी से था, उतना ही प्यार अपनी प्रजा से भी था। वो प्रत्येक वर्ष में एक बार पूरे राज्य के भ्रमण पर अवश्य जाया करती थी। एक वर्ष लूसिया की बेटी मोरबा ने भी लूसिया के साथ भ्रमण पर जाने की जिद की। माँ, मैं भी आपके साथ घूमने जाना चाहती हूँ। बेटी मोरबा, तुम्हारी उम्र अभी बहुत कम है, तुम्हें महल में ही रहना चाहिए। माँ, मुझे भी दुनिया घूमनी है। आप अकेले घूमने जाती हैं और मैं यहाँ महल में कैद महसूस करती हूँ। अब मैं छोटी नहीं रही, 15 वर्ष की हो चुकी हूँ मैं। मुझे अपने साथ भ्रमण पर लेकर चलिए ना। मोरबा ने ऐसी जिद ठानी कि लूसिया को उसे यात्रा पर लेकर जाना ही पड़ा। 15 दिन बाद लूसिया, मोरबा और कुछ सैनिकों का काफिला महल के बहुत दूर निकल आया था। उस वर्ष भारी बर्फबारी हो रही थी। अचानक बर्फ का भयानक तूफान आया। लूसिया और मोरबा सैनिकों से बिछड़ गए। जब लूसिया को होश आया तो उसने खुद को बर्फ से जमा हुआ पाया। पास ही में उसकी बेटी मोरबा पूरी तरह से बर्फ में जम चुकी थी। तभी अचानक लूसिया को एक आवाज सुनाई दी। आओ आओ मेरे पास और पिघला लो अपनी बर्फ को, मैं हूँ गर्म पानी का झरना। लूसिया ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो कुछ दूरी पर उसे एक झरना नजर आया। लूसिया अपने जमे हुए हाथ पैरों को लेकर झरने के पास पहुंची। उसने अपने हाथ पैर धोए, जिससे उसका जमा हुआ शरीर सामान्य हो गया और फिर झरने का पानी भी पिया। लूसिया जब पलट कर वहां से जाने को हुई तो किसी ने पीछे से उसके बाल पकड़ लिए। लूसिया ने देखा कि झरने के पीछे एक राक्षस है जिसने उसके बाल पकड़ लिए हैं। मैं इस झरने का मालिक हूँ। जो भी इस झरने का पानी पीता है, या तो उसे जीवन भर के लिए मेरी गुलामी स्वीकार करनी पड़ती है, या उसे अपनी सबसे प्यारी चीज को मुझे देना पड़ता है। शायद तुम जानते नहीं कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं राज्य की रानी हूँ, इसलिए मेरे बाल तुम्हें छोड़ने ही होंगे। तुम कौन हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इस झरने के पीछे मेरा राज्य है और मैं यहाँ का राजा हूँ। लूसिया की सबसे प्यारी चीज उसकी बेटी थी, जो कुछ दूरी पर बर्फ से ढकी बेहोश पड़ी थी। लूसिया ने सोचा, अगर मैंने खुद को इस राक्षस को सौंप दिया तो राज्य कौन संभालेगा। इसलिए उसने भारी दिल से अपनी सबसे प्यारी चीज, अपनी बेटी को राक्षस को सौंप दिया। ओ झरने के राक्षस, मैं अपनी सबसे प्यारी चीज, अपनी बेटी को तुझे सौंपती हूँ। अब मेरे बाल छोड़ दे। जैसे ही लूसिया ने ऐसा कहा, राक्षस गायब हो गया। लूसिया तुरंत उस जगह की तरफ दौड़ी जहाँ उसकी बेटी थी, पर अब उसकी बेटी वहाँ पर नहीं थी। लूसिया समझ गई कि राक्षस को दिए गए वचन के कारण उसकी बेटी राक्षस के पास पहुंच गई। समय बीता, लूसिया के घर एक पुत्र जन्मा जिसका नाम पीटर रखा गया। पीटर बड़ा होकर एक बुद्धिमान और बहादुर नवयुवक बना। पीटर का मामा यानी लूसिया का भाई हमेशा पीटर को लूसिया के खिलाफ भड़काता रहता था। मामा सोचता था कि पीटर का लूसिया के साथ रिश्ता खराब हो जाए तो वो लूसिया से राजा की गद्दी अपने बेटे को दिलवा देगा। पीटर मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी एक बड़ी बहन भी थी जिसका नाम मोरबा था? बड़ी बहन? मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया।
लूसिया ने अभी तक लोगों से इस बात को छुपा रखा था कि उसने अपनी बेटी को एक सौदे में गवा दिया। हाँ, मैं आज ही माँ से इसके बारे में बात करूँगा। पीटर तुरंत अपनी माँ के पास पहुँचा और बोला, माँ, क्या मेरी एक बड़ी बहन भी थी? हाँ बेटा, तुम्हारी एक बड़ी बहन भी थी जिसका नाम मोरबा था। क्या? तो आपने आज तक मुझसे इस बात को क्यों छुपाया? बेटा, तुमसे मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगी। बहुत समय पहले मोरबा मेरे साथ भ्रमण पर गई थी। रास्ते में तूफान आ गया और मैं और मोरबा सैनिकों से बिछड़ गए। हम दोनों बर्फ में जम चुके थे। एक गर्म पानी के झरने की वजह से मेरी जान बच पाई, लेकिन वो झरना एक राक्षस का था। राक्षस ने मुझसे सौदा किया था कि वो मुझे तभी छोड़ेगा जब मैं उसे अपनी सबसे प्यारी चीज दे दूं। उस समय मेरे पास दो विकल्प थे, या तो मैं जीवन भर के लिए राक्षस की गुलाम बन जाऊं, या अपनी सबसे प्यारी चीज राक्षस को सौंप दूं। मैंने दूसरा विकल्प चुना, क्योंकि अगर मैं राक्षस के पास रह जाती तो राज्य को कौन संभालता? मेरी बदनामी ना हो, इसलिए मैंने सभी लोगों से इस बात को छिपा कर रखा। मैंने लोगों को बताया कि मोरबा बर्फ के तूफान में मारी गई। मैं अपनी बहन को वापस लाने झरने के राक्षस के पास जाऊंगा। नहीं बेटा, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। नहीं माँ, नहीं, आप मेरी चिंता ना करें। मैं उस राक्षस को हराने का कोई ना कोई रास्ता अवश्य ढूंढ लूंगा। पीटर कई दिनों की यात्रा के बाद गर्म पानी के झरने के पास पहुंचा। अरे राक्षस, बाहर आओ! मैं अपनी बहन को वापस लेने आया हूँ, बाहर आओ! इसे कहते हैं कि शिकार का खुद पिंजरे में चले आना। तुम तो मेरे सामने बच्चे हो, भला तुम मुझे क्या चुनौती दोगे? फिर भी मैं तुम्हारी बहादुरी की दाद देता हूँ, क्योंकि आज तक किसी ने मुझे ललकारने की हिम्मत नहीं की। अगर तुम अपनी बहन को यहाँ से ले जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी तीन पहेलियों का जवाब देना होगा। अगर तुमने गलत जवाब दिया तो तुम्हें तुम्हारी बहन की तरह सारी उम्र मेरी गुलामी करनी होगी। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? ठीक है, मुझे मंजूर है। तो ठीक है, पहली पहेली ध्यान से सुनना। वो कौन सी चीज है जो गोल गोल है, नरम नरम है, आधी फूल है आधी फल है, उसे जो भी खाता है भूल नहीं पाता है? गोल गोल नरम नरम कोई मिठाई लगती है, आधा फल आधा फूल। पीटर का ध्यान गुलाब के फूलों पर गया और पास में ही जामुन का पेड़ भी था। आधा फूल यानी गुलाब, आधा फल यानी जामुन, और गुलाब जामुन खाकर कोई भी उसे भूल नहीं पाता। पहली पहेली का जवाब है गुलाब जामुन। ठीक है, अब दूसरी पहेली का जवाब दो। वो कौन सी चीज है जो बच्चे को जवान और जवान को बूढ़ा बना देती है? बच्चे को जवान और जवान को बूढ़ा बना देती है, ये चीज तो उम्र ही है। उम्र बच्चे को जवान और जवान को बूढ़ा कर देती है। तुम वाकई बहुत चतुर हो। अब आखिरी पहेली, वो कौन सी चीज है जिसके पंख नहीं होते फिर भी वो उड़ती है? राजकुमार ने झट से जवाब दिया, पतंग। और इस तरह बुद्धिमान नवयुवक पीटर अपनी बहन को राक्षस के चंगुल से छुड़ाकर घर वापस